नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसके चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल सुसत्य वचन। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी और नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन और वेतन भुगतान की प्रक्रिया हुई पूरी। जी हाँ दोस्तों, इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कि आशा लगाकर बैठे थे शिक्षक बनने की, सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस खुशखबरी को आपके बीच पेश करूं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं नया खुशखबरी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी अभी देर रात कुछ देर पहले हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय ने एक ट्वीट जारी किया है और दोस्तों, ट्वीट जारी कर उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में खुशखबरी धनतेरस के पावन अवसर पर दे दिया है और ये कि जो भी अभ्यर्थी, जी हाँ, 1-5 के लिए आशा लगाकर बैठे थे उनके लिए भी एक और खुशखबरी, एक और मौका TRE 2.0 के अंतर्गत दिया जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं हम ये अतुल प्रसाद का ट्वीट। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद महोदय का ये ट्वीट है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है तमाम अभ्यर्थियों के पक्ष में, जिसे आप देख ले। इन्होंने लिखा है, TRE 1.0 में छोड़ी गई रिक्तियों, एकाधिक परिणाम अवलिक ड्रॉप आउट, अयोग्यता से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अलावा अन्य रिक्तियां को TRE 2.0 में शामिल किया गया है। इसके अलावा SC ST कल्याण विभाग की रिक्तियों को भी शामिल किया गया है। जल्द ही शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो खबर छन के आई है, इसके आधार पर यह कहा गया है कि TRE 1.0 में छोड़ी गई रिक्तियां, एकाधिक परिणाम, ड्रॉप आउट अवलिक अयोग्यता से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अलावा अन्य रिक्तियां, जी हाँ, ड्रॉप आउट जो भी अभ्यर्थी हो चुके हैं, जी हाँ, या तो वे 1-5 के अभ्यर्थी हो, या फिर सेकेंडरी के अभ्यर्थी हो, या फिर हायर सेकेंडरी के अभ्यर्थी हो, उन तमाम जो रिक्तियाँ, उनके खाली होने से रिक्तियां उत्पन्न होगी, उन तमाम रिक्तियों को TRE 2.0 में शामिल किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि उनके माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अब शामिल कर लिया गया है, जिसे शुद्धि पत्र के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने इसे शामिल कर लिया है। तो यानी सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये दोस्तों कि ड्रॉप आउट और अयोग्यता सबसे ज़्यादा 1-5 में हुए हैं, यानी DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में एक बार और ये अवसर आने वाली है शिक्षक बनने की। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों ये धनतेरस के अवसर पर आप तमाम दोस्तों के लिए। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी सीट है इसमें और भी बात कही गई है कि इसके अलावा SC ST कल्याण विभाग की रिक्तियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, कल्याण विभाग के भी जो भी रिक्तियां हैं वो भी इसी फेज 2 के अंतर्गत शामिल कर लिया है अतुल प्रसाद महोदय ने। इसके साथ साथ दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि आउट यानी ड्रॉप आउट, अयोग्यता से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अलावा अन्य रिक्तियां, यानी कुछ ना कुछ और भी रिक्तियां इस फेज में जुड़ेगी दोस्तों, जो कि नई रिक्तियां होगी। यानी कहने का अर्थ है कि अयोग्यता से संबंधित जो भी रिक्तियां होगी उसे और अन्य कुछ नए रिक्तियों को TRE 2.0 में शामिल कर लिया गया है, जिसे शुद्धि पत्र के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये ट्वीट से इसका अर्थ आप कभी नहीं लगाएं कि क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सेकेंडरी मेरिट लिस्ट जो भी है
यानी सेकेंड मेरिट लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अयोग्यता से संबंधित, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि इन रिक्तियों में लगभग 7000 अन्य भी रिक्तियां हैं जो कि 1-5 की रिक्तियां हैं, यानी 72000 सीटें पर ही रिजल्ट जारी की गई थी और 7000 रिक्तियां 1-5 के खाली रह गए थे। इन सीटों को भी TRE 2.0 में शामिल किया जाएगा, यानी 7000 तो पूरे के पूरे नए सीट हो जाएंगे। इसके अलावे दोस्तों जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है, काउंसलिंग करा ली है, इसके अलावे वे प्रशिक्षण में भाग ले चुके हैं और अंत स्थिति में आकर किसी भी कारण से अयोग्य करार कर दिया गया है, तो उन सीटों को भी इसमें नए सीटों में शामिल कर लिया जाएगा। ये ट्वीट के माध्यम से बताई गई है अतुल प्रसाद महोदय के द्वारा। दोस्तों कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि अंत समय में क्या हो जाता है और क्या विभाग द्वारा, आयोग द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा, परंतु आज के ट्वीट के माध्यम से यही स्पष्ट होता है कि द्वितीय फेज की बहाली में निश्चित रूप से 1-5 के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान होगा, जिसे कल निश्चित रूप से कल तक शुद्धि पत्र के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी तैयारी में लग जाए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हुए निश्चित रूप से अगर मौका मिलता है तो इसमें सफलता प्राप्त करें और एक बार फिर से सारी दुनिया को शिक्षक बनकर दिखा दे। दोस्तों एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आप ये कभी मत समझे और कभी मत सोचे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। अतुल प्रसाद महोदय ने ही लाइव के माध्यम से ये स्पष्ट किया था कि एक नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो दो बार हम सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और जो भी गलत सीटें पर बहाली हुई हैं, जो भी गलत अयोग्यता से संबंधित सीटें हमारे पास आ जाएंगी, उन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट से हम जरूर भरेंगे। तो दोस्तों ये बात भी उन्होंने ही कही है और आज भी उन्होंने यही कही है कि ड्रॉप आउट और अयोग्यता से उत्पन्न होने वाली रिक्तियां के अलावा अन्य रिक्तियां को TRE 2.0 में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों ये मानकर चले कि आयोग के अध्यक्ष होने के नाते उनकी बात कभी भी खाली नहीं जाएगी और आप तमाम दोस्तों जो कि सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार का फल मीठे के रूप में मिलेगा और आपको भी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि तमाम नवनियुक्त शिक्षकों जो कि शिक्षक बन चुके हैं और विद्यालय में टैग हो चुके हैं या फिर कहीं प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर ये है कि विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है, ये अंतिम चरण में पूरी हो चुकी है। ये हम एक पत्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का ये पत्र है, जिसमें यह सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के प्रधानाध्यापक को उन्होंने प्रेषित किया है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान के संबंध में। उन्होंने लिखा है कि महाशय, और ये प्रसंग है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक 321 सी दिनांक 8/11/2023, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में पदस्थापन के फलस्वरूप विद्यालय में योगदान कराया जाना है। इस कार्य हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त अवधि में विद्यालय में उपस्थित रहे, क्योंकि योगदान उन्हीं के समक्ष होना है और योगदान के पश्चात प्रधानाध्यापक ही योगदान प्रपत्र अधोहस्ताक्षर कार्यालय में समर्पित कर योगदान को स्वीकृत कराएंगे। दोस्तों प्रधानाध्यापक की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दोस्तों तमाम प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक के प्रधानाध्यापक की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि निर्देश दिया जाता है कि जिले के उपर्युक्त कोटि के सभी विद्यालय प्रधान अवकाश
अवधि में भी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे ताकि नवनियुक्त अध्यापकों का योगदान विद्यालय में कराया जा सके। यानी पूरी प्रक्रिया हो गई है दोस्तों। कई जिलों ने यह पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में नवनियुक्त शिक्षकों को योगदान कराना है, जिसमें उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और कल से यानी 11 नवंबर से ये प्रारंभ हो रही है दोस्तों। और ये अविलंब सर्वप्रथम प्लस टू के शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा और बारी बारी से तमाम शिक्षक नवयुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उन्हें विद्यालय में योगदान करा लिया जाएगा। दोस्तों एक और बारी बात मैं बता दूं आपको कि मैं कहना भूल गया था कि सेकेंड TRE 2.0 के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा कही गई थी 120,000 सीटें, जी हाँ, जिसमें 70,000 सीटें का ही अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल मिलाकर नए जो भी सीट जोड़ने की ट्वीट अतुल प्रसाद महोदय ने कही है वो 50,000 सीटों के अंतर्गत ही है। दोस्तों हो सकता है इसमें बढ़ जाए, क्योंकि 50,000 सीटें केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में खाली पड़े थे, सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। तो इसमें हो सकता है कि अगर 50,000 सीटें जोड़ दिया जाए तो 120,000 सीटें ऐसे ही हो जाएंगे। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1-5 के लिए भी जो भी सीट रिक्त रह गए हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में या तो सीटें बढ़ सकती है या फिर दोस्तों उनके लिए भी विशेष यही आशा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जिन विषयों में अभ्यर्थी नहीं है सिर्फ व सिर्फ उसी को शामिल किया जाएगा TRE 2.0 में। बाद बाकी जहां अभ्यर्थी उपलब्ध है वहां भी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद सीट खाली बचते हैं तब उसे TRE 2.0 में जोड़ा जाएगा। तो आप सभी आश्वस्त हो ले कि 120,000 सीटों के अलावे 1-5 के सीटें बढ़ेंगे। हो सकता है तमाम नियोजित शिक्षकों जिनकी बात ये खबर छन के आ गई है कि उन्हें भी नए सीटें पर शामिल कर लिया गया है, अब उनके सीट जो खाली बचते हैं 28,000 सीटें, जब 7,000 सीटें TRE 2.0 में शामिल करने का निर्णय अतुल प्रसाद महोदय ने बना लिया है तो ये निश्चित है कि 28,000 सीटें और भी इसमें जुड़ जाएंगे। इस तरह से कम से कम तो 38,000 सीटों पर बिल्कुल नए अभ्यर्थी जो कि आशावान बन के बैठे हैं DLL अभ्यर्थियों को मौका और अवसर मिल जाएगा। दोस्तों एक और बड़ी बात कि मैंने आपको बताया कि तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आइए कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ही यह पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में इन्होंने प्रसंग लिखा है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 23/38 दिनांक 8/11/2023 महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों के ससमय वेतन भुगतान का निर्देश प्राप्त हुआ है। तदालोक में निम्न निर्देश दिया जाता है, अपने अपने प्रखंडाधीन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के योगदान देते ही प्राण आवंटन संबंधी निम्नवत प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जिसमें enps.nsdl.com पर वेबसाइट पर विद्यालय अध्यापकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हार्ड कॉपी में सभी संगत अभिलेखों तथा नियुक्ति पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, पैन कार्ड की छाया प्रति, कैंसिल चेक आदि संलग्न कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने खौ में भी लिखा है कि DDO कोड में आप ये SGB04756 ID अंकित किया जाना है। इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि प्राण आवंटन के पश्चात HRMS में डाटा एनबोरिंग हेतु अविलंब HRMS एम्प्लाई डिटेल पर पत्र सभी साक्ष्यों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों
ये स्पष्ट हो चुका है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन यहाँ महापर्व छठ से पूर्व ही करा लिया जाएगा। कई जिलों ने अपना शेड्यूल बना लिया है कि किस तिथि को, जैसे किशनगंज जिले ने भी ये शेड्यूल बना लिया है कि किस तिथि को किस कोटि के अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन से संबंधित नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावे कई जिलों ने उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया का भी पत्र निर्गत कर दिया है। तो आप सभी स्पष्ट हो ले कि तमाम शिक्षकों का हर हाल में नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली और छठ की मुबारकबाद के रूप में वेतन का भुगतान होगा और इसी माह से नवंबर माह से उनके खाते में पैसे गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, जहां तक हमारी तर्क की बात है तो हमें ये लगता है कि जो भी शिक्षक अभी तक प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं 4 नवंबर 2023 से, उम्मीद है कि उन शिक्षकों का की सेवा 4 नवंबर ही मान ली जाएगी और उनका वेतन भुगतान उसी तिथि से दे होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज तक इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों और तमाम शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक बंधुओं के पास शेयर कर दें ताकि उन्हें तत्काल नई जानकारी उपलब्ध हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।